भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत गांव सलहर में एक दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों में निशुल्क दवाइयां वितरित की गई है। इस मौके पर भाजपा के आरएसपुरा जिला प्रधान सरदार हरभजन सिंह पम्मी मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जबकि जिला प्रवक्ता राकेश पंत ने भी इस कैंप में शिरकत की है। कमिश्नर ही देखो तो कमिश्नर आईएसएम के डायरेक्टर हैं श्री मोहन सिंह जी द्वारा ये जो फेस्टिवल आप मना रहे हैं कि 7 साल हो गए, उसके उपलक्ष्य में ये गांव-गांव में उन्होंने रखा है कि शहर के लोगों को तो मिल जाती हैं दवाइयाँ, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो बेचारे नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ही हमने ये रखा है कि उनको घर घर तक ये इम्यूनो बूस्टर जिसे हम कहते हैं लड़ने के लिए दवाइयाँ अंदर से, जैसे आप सबको पता है कोरोना फैला हुआ है, तो अंदर से ताकत लाने के लिए कि ये सब बच्चों तक, गांव के बच्चों बच्चों तक पहुंचे, तो ये हमने दवाई की। जो नेतृत्व में सरकार को 7 साल हुए हैं 30 मई को, इसी की उपलक्ष्य में जहां पे स्लैड में ये जो हमारा आयुष मंत्रालय है उसके माध्यम से हमारे जो डॉक्टर मोहन सिंह जी हैं उन्होंने ये सारी व्यवस्था करवाई है। डॉक्टर सुलक्षणा सुद हमारे बीच में है, जो जहाँ पे जो डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं हमारे स्लैड में मेडिकल अफसर है, और मेरे साथी जो साथ में मेरे खड़े हैं मेरे जिला के प्रवक्ता राकेश पंत जी ने सारा ये व्यवस्था कराई है अपने वेंकट हॉल में। सभी को जो जहाँ के जो आसपास के गांव से लोगों को बुलाकर ये जो हमने आज इस पावन पवित्र दिन के ऊपर आप लोगों को जो मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये आयुष डिपार्टमेंट आयुष मंत्रालय बना है जहाँ से ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष हमारे श्रीमान रविंद्र रैना जी और जिला के हमारे अध्यक्ष श्रीमान एचएस पम्मी जी के दिशा निर्देशों के ऊपर आयुष मंत्रालय के सहयोग से और डायरेक्टर आईएसएम जो हैं मोहन सिंह जी, मेडिकल अफसर मैडम सुलक्षणा सूद जी और इन सब के सहयोग से ये जो आज कार्यक्रम 7 साल हुए हैं मोदी सरकार को उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो हैं वो कोरोना महामारी को के साथ लड़ने के लिए ये सारा का सारा जो दवाइयाँ हैं ये इस महामारी से लड़ने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं।